दोस्तों हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी के साथ आती हैं बहुत सारी डाइटरी डिफिशियंसीज यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स की कमी, जिसके कारण हमारी बॉडी को नीड के अकॉर्डिंग मिनरल्स और विटामिन्स नहीं मिल पाते हैं और जो कारण बन जाता है बहुत सारी बीमारियों का, थकावट का, बेचैनी, नींद नहीं आना, बालों का जल्दी जल्दी गिरना, स्किन का ड्राई हो जाना, खून की कमी, हड्डियों का कमजोर होना, यहाँ तक कि हार्ट अटैक का रिस्क और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है अगर इन डाइटरी डेफिशिएंसीज को या विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा ना किया जाए। लेकिन हर पॉसिबल चीज करने के बाद भी हमें जरूरत पड़ जाती है एक ऐसे बूस्ट की, ताकि हम डील कर सके डेली स्ट्रेस से, डेली फटीग से जो कमजोरी हो जाती है, और मेंटेन रख सके अपना स्टेमिना और एनर्जी टू अचीव आर डेली फिटनेस एंड हेल्थ गोल्स। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप एक ऐसी बैलेंस डाइट लें जिससे आपको विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा मिलती रहे, जिसके लिए मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से भोजन हैं जिनसे आपको ये विटामिन्स की और मिनरल्स की अच्छी मात्रा मिल सकती है। दूसरा रास्ता ये होगा कि आपको मिल जाए कोई ऐसा बूस्ट या रेडिली अवेलेबल सप्लीमेंट जिससे आप बहुत जल्दी और आसानी से इन डेफिशिएंसीज को पूरा कर सकें। तो उसके लिए आप इस कमी को पूरा करने के लिए एक न्यू हर्ब्स का ट्रू विटामिन के नाम से टैबलेट्स आती हैं जो नेचुरल सोर्सेज से बना हुआ है और आपकी सारी डेफिशिएंसीज को पूरा कर सकता है अगर आप इसका एक टैबलेट रोजाना खाने के 30 मिनट बाद लेते हैं। एक्चुअल में ये जो ट्रू विटामिन है ये आपको हेल्प करता है आपकी एक तो डेली जो डाइटरी डेफिशिएंसीज उनको पूरा करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है जिससे आपका डेली का जो स्टेमिना और जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहता है, साथ ही साथ आपके शरीर से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल के ऐसी सेल्स को रिपेयर कर देता है जो खराब होने वाली थी, जिससे आपका एक तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है और आपकी ओवरऑल जो सेल्स की आपकी काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, तो आपको स्टेमिना, स्फूर्ति ये सारी चीजें मिलने लगती हैं, आपको बीमारियों से और इन्फेक्शन से लड़ने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, और उसके अलावा ये एक तरह से नर्चर करता है आपके हेयर्स को, स्किन को और बाकी बॉडी फंक्शंस को, जिससे आपको ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में भी काफी हद तक मदद मिलती है। ये एक्चुअल में एक साइंटिफिकली रिसर्च्ड फार्मूला है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये नेचुरल रिसोर्सेज से आता है, इसके अंदर टोटल 26 इंग्रेडिएंट्स हैं और इनमें 12 विटामिन्स हैं, 8 मिनरल्स हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड मल्टी विटामिन बूस्ट है जो आपकी सारी डिफिशियंसीज को पूरा कर सकता है अगर इसको आप ठीक से इस्तेमाल करें। एक्चुअल में एक एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे काम करता है जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं आपकी सेल्स को, इनको एलिमिनेट करता है शरीर से और जो आपकी सेल्स हैं उनको रिपेयर करता है, जिसकी वजह से ये आपकी फटीग को दूर करता है, थकावट को दूर करता है, आपके अंदर स्टेमिना और आपकी एनर्जी को मेंटेन करके रखता है, तो बेहतरीन ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है। इसलिए ऐसे लोग जो फिटनेस लवर्स हैं, हेल्थ सीकर्स हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक हेल्थ सप्लीमेंट है जिसको आप अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर सकते हैं इन डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए। तो आप बात करते हैं कि भाई किस भोजन से आपको कौन सा विटामिन मिलता है, और अगर आप इन भोजनों को, फलों को, सब्जियों को अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो ये जो सारी डेफिशिएंसीज हैं उनको आप नेचुरली भी दूर कर सकते हैं, हालांकि इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो जैसे अगर हम विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए आपको कैरेट से मिलता है, गाजर में काफ़ी अच्छा विटामिन होता है, उसके बाद आम, आड़ू, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने होते हैं, दालें, स्प्राउटेड दालें जितनी होती हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगर हम विटामिन बी की बात करें, हालांकि विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स हैं और खास तौर से जो विटामिन B12 है वो मोस्ट ऑफ नॉन वेज भोजन में पाया जाता है, मछली में, मीट में, अंडे में, मगर जो दूसरे विटामिन बी हैं वो हरी पत्तेदार सब्जियों में ज़्यादा मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से भी आपको विटामिन बी मिल जाता है। विटामिन बी के लिए आपको दालें, नट्स, इस तरह की चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे या आप सी फूड्स का इस्तेमाल करेंगे तो उनसे आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन बी मिल जाता है। विटामिन सी जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, रसीले फल होते हैं या जो खट्टे फल होते हैं जैसे मौसमी हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, इवन आम के अंदर और भी बहुत सारी इस तरह के फ्रूट्स आते हैं, चेरीज आती हैं, जिनके अंदर विटामिन सी की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है। अब अगर हम बात करें विटामिन डी की तो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स तो सनलाइट है, उसके अलावा जो सी फूड्स हैं जैसे फैटी फिश हैं या एवोकाडो है, इनसे भी आपको विटामिन डी की काफ़ी अच्छी मात्रा मिल जाती है, डेयरी प्रोडक्ट से भी आपको विटामिन डी मिलता है। अगर हम विटामिन ई की बात करते हैं,
विटामिन ई आपको मिलता है, नट्स से, पालक से आपको विटामिन ई मिलता है, उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन ई होता है, एग योक से विटामिन ई आपको काफी मात्रा में मिल जाता है। अगर बात करें कुछ मिनरल्स की, तो मिनरल्स के लिए देखिए, साबुत अनाज अगर आप लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं, हरी पत्तेदार सब्जी अगर आप लेते हैं, स्वीट पोटैटोज हो गए, उन सब में काफी मिनरल्स होते हैं और फ्रूट्स में भी काफी मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अपनी डाइट में आप वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का और अनाज का अगर एक मिश्रण ठीक ठाक से रखते हैं तो आपको डाइटरी डेफिशिएंसीज कभी नहीं होंगी और अपने आप को आप हेल्दी और फिट बना के रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तभी इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पे मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।